हेलो बच्चों, नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल बैच 99 कोचिंग सेंटर। और आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर इंडाइसेस। ठीक है, इसको अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बोलूं तो ये चैप्टर है एक्सपोनेंट्स। ठीक है, लोकल लैंग्वेज, जनरल भाषा, जनरल टर्म, दिस इज एक्सपोनेंट्स। सो आज हम करने वाले हैं इंडाइसेस या फिर एक्सपोनेंट्स। सो एक्सपोनेंट हम लोग क्लास 6 से ही पढ़ना शुरू कर दिए थे। सो आई होप कि क्लास 6 से आप कुछ कुछ तो बातें सीखते हुए आ रहे होंगे। अगर नहीं भी सीखे हैं ना तो इस क्लास में क्लियर हो जाना है भाई। सो पेन, कॉपी, पेंसिल, बुक जो भी उठाना है सब उठा लीजिए, नोट्स अपना बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पकड़िए, जैसे जैसे मैं लिखूं वैसे वैसे करना शुरू कर दीजिए, देखिए बनता है कि नहीं। अगर नहीं बनता है तो फिर कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर इंडाइसेस। सो इंडाइसेस मैंने क्या बोला कि टर्म होता है एक्सपोनेंट्स। ठीक है, जनरल लैंग्वेज एक्सपोनेंट्स। सो एक्सपोनेंट्स एंड पावर हमने पढ़ रखा है, तो अगर कोई एक्सपोनेंट्स होगा तो उसके साथ पावर जरूर आएगा, है ना। एक्सपोनेंट्स एंड पावर हम लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में। सो यहाँ पे ना बहुत तरीके के लॉ आते हैं, बहुत तरीके के लॉज आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, इस लॉ को स्किप मारेंगे और हम ट्राई करेंगे यार अपने तरीके से, बिकॉज वी नो व्हाट इज एक्सपोनेंट, तो अपने तरीके से ट्राई करेंगे कि एक्सपोनेंट्स को कैसे सॉल्व किया जाए। अगर क्वेश्चन में अटकते हैं देन आई एम गोइंग टू टेल यू कि इस जगह पे क्या यूज करना है। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे सारी चीजें सीखते चले जाएंगे। सो लॉज पे ज्यादा अभी ध्यान मत दीजिए कि व्हाट इज द लॉज, ये रटना है वो रटना है, रटना नहीं है यार। ठीक है, सो रटना नहीं है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर एक्सपोनेंट्स या फिर इंडाइसेस स्टार्ट किया जाए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए बुक कॉपी निकाल लीजिए। सो अकॉर्डिंग टू योर बुक, देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोला है, इवैल्यूएट, क्या बोला है क्वेश्चन में, इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट कीजिए, बोला है 27 का पावर माइनस 1/3 है, 27 का पावर माइनस 1/3 है। तो अगर इसको इवैल्यूएट करना है तो क्या हमको कोई फॉर्मूला की जरूरत है, आई डोंट थिंक सो यार, वी नीड एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अगर 23 का पावर 1/3 है तो सब माइनस 1/3 है, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, क्या करेंगे, क्या करेंगे, 27 को देख लीजिए एलसीएम करके कि कितना पावर में आ जाता है। जैसे कि अगर वी आर डूइंग 27 का एलसीएम, सो 3 9s are 27, 3 3s are 9, तो इससे मुझे ना क्या चीज मिल जाएगी, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। हमको क्या मिल जाएगा, एक्सपोनेंट, दिस इज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के ऊपर पावर, ये चीज मिल जाएगी ना, है ना, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यस, एक्सपोनेंट्स एंड पावर मिल जाएगा। तो वही तो मुझे ये चैप्टर में करना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, जो भी नंबर मिलता है मुझे उसको एक्सपोनेंट और पावर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो कन्वर्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे आ गया माइनस 1/3। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब ये इनटू में है, तो क्या होगा, 3 का पावर 3 इंटू माइनस 1/3, 3 कट गया तो 3 का पावर माइनस 1, यस, 3 का पावर माइनस 1 मतलब क्या होता है, चीजें रेसिप्रोकल हो जाती है, क्या होती है, चीजें रेसिप्रोकल हो जाती है, एंड वी गॉट द आंसर 1/3। किसी को इस क्वेश्चन में अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। हो गया, नोट हो गया, चलिए गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन एंड सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 9 3/2 एंड -3, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, 9 3/2 -3,
सो व्हाट डू यू मीन बाय 9 3/2? हमको क्या करना है, जो नंबर है उसको एक्सपोनेंट्स एंड पावर में कन्वर्ट कर लेना है. सो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, राइट? लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर. तो इसका मतलब, ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया? 2 × 3/2, है ना, -3. तो ये 2 कट गया, यानी कि 3 का पावर 3 -3. तो 3 का पावर 3 कितना आया था? 27 आया था ना. तो 27 - 3, व्हाट इज 27 - 3? व्हाट इज 27 - 3? 24. ठीक है, गॉट द आंसर? किसी को इसमें डाउट? किसी को इसमें डाउट? डाउट है तो पूछ लीजिए भाई, कमेंट करिए और आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, डन, ओके. तो ये तो हो गया बच्चा बच्चा वाला क्वेश्चन, जो कि हम लोग पहले भी करते आए हैं, क्लास 6 7 8 9 सब में सीखे हुए हैं. मतलब 9th क्लास पढ़ रहे हैं तो 9th क्लास में भी सीख ही रहे ना. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसको कंप्लीट करने का कोशिश कीजिएगा. ये जो मैंने क्वेश्चन दिया ना, इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन को अगर ऐसे देती हूँ, ठीक है, ये 2
टू टू जा फोर कटा, बच्चा क्या मेरे पास थ्री का क्यूब माइनस थ्री का वन और थ्री का पावर माइनस टू। ठीक है, अब देखो क्या होगा, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, माइनस थ्री, माइनस थ्री थ्री जा नाइन, नाइन का पावर माइनस वन। माइनस साइन मत छोड़ देना, नाइन लिख के माइनस साइन नहीं छोड़ना है, बिकॉज ये माइनस की वजह से ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, माइनस की वजह से ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होना है, ये हो जाएगा 27 माइनस 3 माइनस 1 बाई 9। अब भैया इसको सॉल्व कर लीजिए, खाली सॉल्व करने से क्या होगा, एलसीएम इज 9। ठीक है, 27 इंटू 9, 9 सेवन जो 63, 3 6, 9 टू जो 18, 2 4 3 माइनस 9 3 जो 27 माइनस 1। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेना, समझ आया होगा मेरे ख्याल से, तो बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ना इन दोनों को माइनस करने मत चले जाना, बहुत बच्चे कर देंगे, इन दोनों को सबसे पहले माइनस करने मत चले जाना, यूज द बॉड मास रूल, माइनस माइनस को पहले प्लस करना है ना। सो यहाँ पे आ जाएगा 243 माइनस 28 बाई 9। ठीक है, चीजें ऐसी आनी है, उसके बाद सॉल्व कर लो और आंसर निकाल लो। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा क्वेश्चन, क्लियर है, क्लियर है, चलो अगर क्लियर है तो चलो एक और क्वेश्चन बनता है यार, एक और, बस एक और। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का, चलो। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज विच इज गिवन इन योर बुक, दैट इज थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन यार, थोड़ा बड़ा है, ठीक है, डरना नहीं, क्या कौन सा नंबर है ये, तीसरा चौथा जो भी नंबर है यार, वट एवर द नंबर इज आई डोंट नो। सो द क्वेश्चन इज 64 अपॉन 125 का पावर माइनस टू बाई थ्री, ठीक है, डिवाइडेड बाई वन बाई 256 बाई 625, 256 बाई 625 का पावर वन बाई फोर, ठीक है, इनटू रूट फाइव, ट्वेंटी फाइव, सॉरी रूट फाइव नहीं, रूट ट्वेंटी फाइव, क्यूब रूट ऑफ 64। ठीक है, कुछ ऐसा सा क्वेश्चन है, डरना नहीं है, हिम्मत रखना है एंड क्वेश्चन को इजीली अपने दम पे सॉल्व कर लेना है। अच्छा यहाँ पे ना दिख नहीं रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा, तो आई एम गोइंग टू राइट यहाँ पे छोटा छोटा, ठीक है, दिस इज क्यूब रूट ऑफ 64, अब दिख रहा है ना, यस इट्स विजिबल नाउ, सो ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, नहीं होता आई विल टेल यू, हो गया। चलिए अब देखिए मुझे क्या करना है, चीजें एक्सपोनेंट्स एंड पावर में कन्वर्ट करनी है, वेरी नाइस। 64 को हम क्या कर सकते हैं, 64 को क्या कर सकते हैं बताइए, 2 से डिवाइड कर ले, ओके एकदम सिंपलेस्ट, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6, राइट, वी कैन से इट इज 2 का पावर 6, ठीक है, 2 का पावर 6, कोई दिक्कत, हो गया। नेक्स्ट अब इसको भी कर लीजिए एलसीएम, क्या आता है,
125 का एलसीएम कर लीजिए, आई थिंक 5 से चला जाएगा बिकॉज 5 है लास्ट में. तो 5 टू जे 10, 5 फाइव जे 25, 5 फाइव जे 25, यस 5 का क्यूब, 5 का पावर क्यूब, ठीक है, माइनस 2/3, राइट. कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो वेरी नाइस. अगर कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं. ओके, 256 एलसीएम करके देखो, करके देखो, करो करो, यस करो. 256, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, और 64 का कितना आया था, 1 2 3 4 5 6, है ना. तो 6 7 8, यानी कि 2 का पावर 8, राइट, सही बोल रही हूँ ना मैं, 2 का पावर 8. एंड 625 इज, अगर करके देखोगे सो 625 भी कर लो. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25, ठीक है. और 125 का करा तो मैंने 1 2 3 4, यस, तो 5 का पावर 4, राइट, ठीक है, हो गया. सो यहाँ तक तो भाई एक्सपोनेंट्स एंड पावर में हमने कन्वर्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है. एंड नाउ इसका होल पावर कितना था, 1/4, वो भी लिख लिया मैंने. इनटू ये स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ये 5 हो जाएगा, 5 5 से 25. ये क्यूब रूट है, ये किसका क्यूब होता है, ये किसका क्यूब होता है, वेरी गुड, 4 का है ना, सो 4, ठीक है. अब देखो, अब थोड़ा ध्यान लगाना है और कॉमन सेंस लगानी है. अगर मैं दोनों का पावर सेम कर देती हूँ तो होल पावर हो जाएगा समथिंग, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2 का पावर 6 ना लिख के 4 का पावर 3 भी लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ ना. देखो 2 2 2 2 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है. इसमें मैंने दो दो का पेयर बना लिया, यानी कि ये 4 × 4 × 4, मतलब 4 का पावर क्यूब भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे भी 5 का पावर क्यूब लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. तो दोनों को क्यूब क्यूब को हटा के मैं होल क्यूब भी लिख सकती हूँ, मतलब 4 का भी क्यूब और 5 का भी क्यूब. और ऊपर में पावर कितना था, -2/3 था, क्लियर. उससे मेरे को फ़ायदा क्या हुआ, देखो फ़ायदा ये हुआ कि ये दोनों कट जाएगा, अदरवाइज मैं 6 करती ना तो कॉमन पावर नहीं आता और काटने में थोड़ी सी मुश्किल आती, ठीक है. तो कॉमन पावर आ गया, हमने काट लिया. अब यहाँ पे भी वही काम करते हैं, कॉमन पावर कर लेते हैं. सो दिस इज़ डिवाइड 1/, ये हो गया. अगर मैं 4 का पावर 4 लिख दूँ और 5 का पावर 4 लिख दूँ, लिख सकती हूँ ना. सो होल पावर मैं 4 लिख सकती हूँ, इंटू 1/4 इंटू 5/4, ठीक है. ये 4 4 कट गया, डन, ओके. सो यहाँ पे कहानी तो हो गई, आगे बढ़ते हैं. आगे क्या होगा, आगे है यहाँ पे 4/5 एंड इसके ऊपर -2 डिवाइड 1/4/5, और तो कुछ नहीं है ना, नहीं पावर 1 है, इंटू 5/4, राइट. इसका माइनस का मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा चीज़, है ना, ओके. डिवाइडेड बाय, अगर ये मैं डिवाइड से ये उल्टा ले जाती हूँ तो ये भी हो जाएगा 5/4, ठीक है. एंड दिस इज 5/4 अगेन, सो हियर इट इज 5 5s are 25, 4 4s are 16. डिवाइड से इनटू में करती हूँ तो ये फिर अगेन रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड दिस इज 5/4, ठीक है. ये कट गया, द आंसर इज 25/16, डन, क्लियर. आई होप सो चीज़ें समझ में आ रही होगी. बहुत ज़्यादा टफ नहीं है यार, कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. आंसर ये रख लो या फिर आप मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लो, ठीक है, ठीक है. तो आगे के भी क्वेश्चन आई होप सो ऐसे ही रहेंगे. थोड़ा सा टफनेस आएगा कि सिंप्लीफाई बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया. आई होप सो इतने ट्रिक्स है ना आपका फर्स्ट वाला एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा.
अगर सॉल्व नहीं होता है देन प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी, ठीक है, और आई विल डू इट फॉर यू, राइट? फॉर देख लो एक बार, इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी, ठीक है? सो इस टाइप के क्वेश्चन ना आज का आपका होमवर्क रहा, इस टाइप के सारे आपको सॉल्व कर लेने हैं जितने भी आपके एक्सरसाइज में हैं. सो नेक्स्ट डे वी विल मूव फॉर द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? चलो बाय बाय आज के लिए, थैंक यू सो मच.